आज ईद है और मौसम भी बहुत अच्छा है, आवाज़ थोड़ी आहिस्ता करेंगे हम। और मैंने सोचा आज के दिन हम करेंगे व्लॉग। दूसरा, हम लोग एक दोस्त की तरफ जा रहे हैं। मैं चाह रहा था ये जो हजरात आगे बैठे हैं ना, ये वाले भाई, ये जरा देखना, ये वाले भाई जी सर, अच्छा जी, सफर हमारा जारी और सारी था। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए मानस भाई, बताइए इधर इधर देखे। अभी हम यहाँ उतरे, गड्डी यार साइड से लाओ यार। सर जी, कमाल की फीलिंग आ रही है, बड़ा फीलिंग आ रही है। ये देखिए जी, अभी हम पहुँच गए। चले मैं ये जी, और भी बस रास्ते में जाते हुए जब हम हो गए क्या सहरा है सारा यार, यार इसका इसके थोड़ा शीशन सीख रहे तो जिन दोस्त से मिलने आए हुए थे वो लोग पहुंच गए हैं, मेरे रिसीव करने आए हैं। हाँ जी, उनसे मिलते हैं। मेरे भाई के दोस्त हैं, बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम भाई, आपने अपने ब्लॉग में दिखाया है। जी जी, हमें ब्लॉग में बहुत कुछ दिखाया। खानी भाई, आप बता रहे थे कुछ, हम यहाँ कहाँ? हम इधर हैं इस टाइम झंडा वाला। अच्छा ठीक है, ये झंडा वाला जो है यहाँ पे हमारे पास गोश्त है, तंदूरी गोश्त मशहूर। ठीक है, ये रांझे हैं, रांझे फैमिली है। आप उसी जुबान में बात करें जैसे पहले कर रहे थे। असलान गुजार तो मैं उसकी ब्यूटी है यार, आप वीडियो भी है बात कर रहे हैं ना, वो बहुत प्यारा बोल। अब आप तंदूरी गोश्त है, ठीक है, जेडे घर के बीच अपना ही सामने उन्होंने घर है, ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा, ये जो झंडे वाला गोश्त मशहूर है वो आप लोगों का ही सेट है? हमारे इधर इधर से आके ले जाते हैं। क्या बात, आज पाकिस्तान में यहीं से जाते हैं। यानी यार खानी भाई, आपने तो सही फैमिली पार्टी करवा रहे हैं हमें। थैंक यू सो मच यार, असल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ईद अच्छी गुजर रही है आपकी? चलो गुड यार, मतलब नई से नई चीज एक्सप्लोर करने को मिलती है। झंडे वाला गोश्त मैंने पहली दफा लाइफ में सुना है, ठीक है, लेकिन अच्छा। कहते हैं कि जी पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, आपको अगर इसके बारे में पता तो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसी है जी। आपने पहले खाया है कभी? मैंने खाया नहीं है, मैंने नाम बहुत ज़्यादा सुना। अच्छा, यानी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आपसे मैंने पूछा गोश्त को शापर को देख के ना, शापर बड़े भाई, क्या चाल है? उससे छोटे आप, लेकिन यार जो काम आपने किए हैं उससे तो काफी बड़े हैं। अच्छा, और सुनाए अनस भाई, इंजॉय कर रहे हैं? बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैं खुद बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। खैर, अभी हम लोगों ने वहाँ से गोश्त पिक कर लिया अनस भाई, अभी हम यहाँ बैठ के खाएंगे। जी जी बिल्कुल, हम लोगों ने थोड़ी देर यार ये जो होटल जिसमें हम आए हैं ये वो आम होटल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अरबी शहजादे आते हैं। रियली? क्योंकि ये थल का एरिया है, यहाँ पे वो लोग शिकार करते हैं। बाकी डिटेल्स आपको भाई बताएंगे खाने में। जैसे अरसलान भाई नाकिस, मतलब सही पता नहीं है, जैसे सुनी में जैसे आप बता रहे हैं जो बता रहे हैं, लेकिन पता है इतना क्योंकि यहाँ पे तलूर का शिकार होता है। जो अरबी शहजादे आते हैं, नामे भी ले ना वीडियो में सब। जी जी जी, तो जो अरबी शहजादे आते हैं ना यहाँ पे, ये उनके लिए होटल बनाया हुआ है। अच्छा ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे इसके अंदर सेटअप भी वैसे लगे हुए हैं, इनके पीछे भी इन्होंने हॉल बनाए हुए हैं। अच्छा, वो यहाँ पे आके रहश करते थे, ये रहते थे, ये फिर उनको खुश करने के लिए जो चीज़ें अब आए अंदर आप। अब आपको ना फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ने कहा है कि ये अंदर से बहुत प्यारा है, चलो एंटर होते हैं। आपको चीज़ें दिखाएंगे जी जी भाई। सबसे पहले तो ये देखे टाइम। अच्छा, मोजम्बिक, स्पेन, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, इजिप्ट, वाशिंगटन, जापान, मलेशिया, पाकिस्तान, पेरिस, ईरान, चाइना, लंदन, साउथ अफ्रीका और जर्मनी, इनके करंट टाइम्स जो है ना वो टाइम विश होगा। सही, सेकंड पॉइंट पे इस तरह।
ये जी गिफ्ट अरबी जो शहजादे हैं वो जब आते थे डिफरेंट सीनरीज उनको गिफ्ट के तौर पे मिलती थी। यार ये बहुत प्यारा है जी जी। अच्छा अनस भाई थोड़ा डिटेल जरा दोगे? अनस भाई ये फल सलमान भाई छोटी चीज है, ये बहुत प्यारा है। मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह के एरिया में इस तरह का होटल होगा। शेख अल मालिक अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। क्या बात है मेरा मैम शरीफ जी। आपको दिखाएंगे हमारे प्रोफेसर साहब क्या बता रहे हैं? अच्छा ये देखो ये ईरानी ये रियाल है। क्या है ये? 10 रुपए ये रियाल है ईरान की करेंसी। और ये ओ माशाल्लाह यार ये देखो हमारे हीरा हमारे सौ। मैं बता तो रहा हूँ की यहाँ पे अरेबिक जो शहजादे हैं वो आके रहते हैं। ये उस कार के पत्थर है। ये गुलाफे काबा है सर। सुभान अल्लाह माशाल्लाह यार माशाल्लाह। यार बेस्ट चीज मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें। सुभान अल्लाह इंशाल्लाह जल्द मैंने उम्रे पर जा रहा है आप लोगों की दुआओं से। हम ये डिफरेंट करेंसीज कंट्रीज की करेंसीज हैं। अच्छा एक और चीज थोड़ा सा इसको डीपली जरा चेक करो। ये है 1980 में 50 रुपये पैसा। ये पैसे चलते थे ना पहले पैसे हैं ये है। ये देखिए गोल्डन जुबली यार बहुत। और ये हमारे बॉस। अभी हम लेने जा रहे हैं गाड़ी से गोश्त। ये सहरा है सारा है झंडे वाला झंडा वाला झंडा वाला झंडे वाला इसकी खुशबू बहुत प्यारी माशाल्लाह यार बहुत मजा। ये एक VIP सिस्टम। शेख साहब तुसी किते ते छड़ दिया करो यार चटनी खा ओदो तुसी सारी ते गए ओदो भी तुसी चटनी चुकी वैरी है चटनी ते। यार क्या खुशबू है माशाल्लाह। ये चीज ब्यूटीफुल यार ब्यूटीफुल यार। शेख साहब चुकनी दैट्स द ब्यूटी। खुशबू इतनी मजे की है बता नहीं सकते भैया। हमारी तो ईद पे पार्टी चल रही है अच्छी खासी। इसको ऐसे प्लेट यार एक मिनट जस्ट कम ऑन। चश्मा मिला जी जी बहुत मजा है जी। अनस भाई मैं तो भाई खाता हूँ मंड के खाता हूँ ये देखिए जो लोग मुझे लग रहे हैं नहीं खाता वो देखो बाहर देखी है इन्हें तो बाहर देखी एक साफ दे खादा नहीं चंगा जिडा वेड है ना। हाँ जी भाई जी सर। यार ये पहला रेगिस्तान में देख रहा हूँ इतनी मतलब मौसम भी अच्छा है। ये हमारी किस्मत है ये आपकी किस्मत है यकीन करें किस्मत है वरना यहाँ क्या होता है माहौल एक तपश होती है गर्मी होती है बहुत ज्यादा। मैं तो इधर मैं ही बैठूंगा दरमियान में। ये जो जगह ना ये सेंट्रल वाली जगह से ना फायदा ये होते हैं कि आप पूरी गाड़ी के साथ रहते हो कनेक्टेड। जाने तो बंदे ने ये तो फिर मौसम भी बड़ा प्यारा। ओ यार नहीं कोई डो बड़ा चेहरा ओ लेट कर दिया इतना बड़ा चेहरा आ देखो जरा ओ खराब हो गया
खानी भाई अभी हम कहाँ हैं? अब हम हरनौली खड़े हैं। हरनौली इधर आओ। हरनौली अख्तर अब्बास का नसन है, हमारे चाचू बहुत प्यारे चाचू हैं, उनका फार्म है, छोटा सा उनका शौक है। अच्छा छोटा सा फार्म है ना मैंने जी। पहले तो बहुत ज्यादा चीजें थी, अब हेलो हरनौली और मुर्गियाँ हर किस्म की और मोर शेर। हरनौली बात सुनो यार, अंदर नहीं जाते लगे हुए शेख साहब, हरण छूट गया ने अंदर पार्किंग कर छोड़ी। काम क्लियर थी गया है, ये हम थोड़ी देर के लिए स्टे कर रहे हुए यार, कमीज ठीक करो यार तुसी फौत हो जाओ टाइम कट के। ये हीरा एनीवेज ये हमारे दोस्त इनसे मिले हैं, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद मुस्तफा। गल ऐसी करें दे बदे हैं, कोई मसला नहीं। कैसे कहते हो आप? क्लियर थी गया नो टेंशन ये इसका ना डायलॉग है, ये हमेशा हर बात पे कहता है नो टेंशन और बात क्लियर थी गया। साढ़े छः हो गए, चलो जी। तो हमारा जर्नी जो थी खानी भाई के साथ यहाँ हम अपना करते हैं व्लॉग एंड। बाय बाय, ऐसे करते हंसना हंसना हंसना, क्लियर ठीक है क्लियर ठीक है।